सोनम, मुझे भी बता देते, मैं भी मेरी आइडिया को इंक्लूड कर लेती उसमें। डोंट वरी रे, सब हो गया। अगर तुझे बता देती तो सरप्राइज कैसे रहता। इसलिए ना चारों तरफ बच्चे ही बच्चे दिख रहे खेलते हुए। और सोनम तू बता क्या गेम खिलाने वाली है? मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ उसके बारे में। हम पहले नीचे बैठने वाले थे बट अभी बारिश के कारण सब गीला है तो यहीं से ऊपर ही देखते हैं। आपको तो गाइड करना है, सब बताना है, बताओ। हाँ यार, कुछ भी हेल्प चाहिए तो बताना। नहीं अभी तो कुछ हेल्प नहीं चाहिए बट बाद में लगेगी तब जरूर हेल्प लूंगी मैं तुम्हारी। और एनर्जी की भी बहुत जरूरत पड़ेगी सभी लोगों को। मतलब ऐसे क्या होने वाला है? कुछ तो खिचड़ी पक रही है। आगे आगे देखो होता है क्या। ये बात है। मैं तो ना बस दो तीन बारी गेट टुगेदर अटेंड कर पाई है क्योंकि बच्चों को आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज के लिए लेके जाती हूँ तो ज्यादातर मिस ही कर लेती हूँ हमेशा। तो क्या आप लोग हमेशा ऐसे ही गेट टुगेदर करते हो क्या? हाँ यार, स्प्रिंग और समर ब्रेक में ऐसे ही मिल जाते हैं कभी बाहर, फिर बच्चे कभी कभी बाहर खेलने जाते हैं तो तब भी कभी कभार मिलना हो जाता है। बाकी यहाँ तो फिर ठंड शुरू होती रहती है और फिर बच्चे जब बाहर खेल रहे होते तब तो मिलना हो पाता है लेकिन ठंड के मारे तो हम लोग मिल नहीं पाते हैं। अभी दो चार महीने में विंटर आ जाएगा फिर तो घर में ही रहना है, फिर मिलना जुलना थोड़ा कम हो जाता है। बाकी सिएटल का वेदर तो सबको पता ही है। मुझे तो ना गेट टुगेदर हमेशा ही पसंद है। तो एक जगह है यार जहाँ आने के बाद मेरा माइंड पूरा फ्रेश हो जाता है। हाँ ओके, पूरा दिन का थकान ना दूर हो जाती है। और आप सब खूबसूरत मम्मियों को देख के ना एक्टिव देख के तो मैं खुद एक्टिव बन जाती हूँ यार। थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा कौन कितना एक्टिव है। लेट्स सी। क्यों सोनम, कोई एक्सरसाइज करवाने वाली है क्या? ऐसा ही कुछ सोच लो। बहुत ठंड लग रही है, सोच रहे इसे बैठ जाऊं मैं। सबको पकड़ के बैठ जाए। हाय निशा। हाय। मम्मी का ड्यूटी शुरू? हाँ, इसको घुमाना पड़ता है। कम जॉइन अस। आप पूछ रहे थे ना कैसा लगा मुझे? मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, यूएस का वेदर ऐसा ही रहता है क्या साल भर? मैं ज़्यादा वेकेशन में ना गई नहीं क्योंकि जब भी मैं कुछ प्लान करती हूँ कुछ ना कुछ हो जाता है या फिर मेरा फ्लाइट पूरा कैंसिल हो जाता है तो इसलिए मेरा जाना नहीं हुआ यार कुछ और सिटी। नहीं, सिएटल में बहुत सारी बारिश होती है इसलिए यहाँ का वेदर वेट है। बट तू अदर स्टेट में जाएगी ना तो वहाँ पे गर्मी बहुत होती है इसलिए पोल्यूशन और ड्राई वेदर है वहाँ पे। हाँ यार, मैंने भी सुना है यहाँ ड्राई वेदर की वजह से वाइल्ड फायर भी होता है और एयर भी पोल्यूटेड है। हाँ वो तो है, यहाँ पे तो कभी ज़्यादा ठंडी है, कभी बारिश है, कहीं पे गर्मी, वाइल्ड फायर, मतलब बहुत ज़्यादा वेदर चेंज होता है। अब आज ही देखो ना, दिन में तो दिखा रहा था कि चलो कैसे कितना अच्छा वेदर रहेगा सनी, अब देखो यहाँ पे क्लाउडी है, बारिश भी हो रही है बीच बीच में। सिएटल में रहने वाले तो इसी इंतज़ार में रहते कि कब अच्छे से वेदर और वो मतलब बच्चों को स्प्रिंग ब्रेक मिले, क्रिसमस की वैकेशन या कोई और थैंक्सगिविंग की छुट्टी मिले और वो कब चले जाए वैकेशन। छुट्टी मिलते ही वैकेशन मनाने चले जाते कि जहाँ पे धूप और अच्छे से वैकेशन हो जाए उनका। हे रेवती, एनीवेज हाउ वाज योर वैकेशन टू इंडिया? हाँ वो बताओ। बहुत अच्छा था। इस बार तो बहुत दिनों के लिए गए थे आप इंडिया? अरे रुको रुको, बहुत ठंड लग रही है ना, मैं ना जैकेट लेके आती हूँ यार। किसी और को चाहिए जैकेट? है मेरे पास और एक। ठीक है। हाँ यार, कोविड की वजह से 2 साल गई नहीं ना इसलिए इस बार 2 मंथ के लिए होके आई। मज़ा आया यार मम्मी पापा और रिलेटिव से मिलके ना। और इस बार शॉपिंग भी बहुत किया मैंने। इंडिया जाए तो शॉपिंग ही चाहिए, मेन तो वही है, मतलब शॉपिंग और खाना, ये दो इम्पोर्टेंट है।
जाके स्ट्रीट फूड खाया ही होगा और घर का टेस्टी टेस्टी खाना। हाँ यार, यहाँ कुकिंग कर करके ना थक जाते हैं और यहाँ वहाँ जाने के बाद मम्मी के हाथ के खाना खाना तो अलग ही मजा है। सही है, चलो यार अब गेम की शुरुआत करते हैं। हाँ पर अपन उसके पहले अपने फ्रेंड्स ग्रुप का एक ऑफिशियल नामकरण कर देते हैं। नामकरण? हम सब लोग ऐसे अक्सर मिलते हैं और एक दूसरे के साथ सब कुछ शेयर भी करते हैं और सबको अच्छा भी लगता है मिलना, एंड वी ट्राई टू मीट वेरी ऑफन। सो क्यों ना अपन एक इस ग्रुप का एक नाम रखते हैं, ताकि ये ना मतलब अपने को लोग अपने इस ग्रुप के नाम से जाने, राइट? मतलब ये मुझे तो ये सही लग रहा है, तुम लोग भी बताओ कि तुम्हें कैसा लग रहा है इस ग्रुप। और अपन इस ग्रुप के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाएंगे। रूल्स और रेगुलेशन फ्रेंड्स ग्रुप के लिए? हाँ हाँ, क्योंकि ये ग्रुप डिफरेंट होगा और कुछ अलग होगा इस ग्रुप में, इसीलिए। ग्रेट आइडिया सोनम, फिर बताओ क्या क्या रूल्स और रेगुलेशन सोचे हैं अपने ग्रुप के बारे में। हाँ बता। हाँ, फर्स्ट रूल ये है कि हम लोग किसी की बुराई नहीं करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। दूसरा वाला रूल है एक दूसरे की मदद कर। थर्ड रूल ये है कि कोई हमारे ग्रुप में अगर नई भी है, जैसे कोई बाहर का है, तो भी हम लोग उनको हेल्प करना ही अपना ये रूल रहेगा। फोर्थ रूल ये है कि हम लोग जो भी सीखेंगे, जैसे हम लोग ने कोई सीखा है, कोई क्रिएटिविटी, कुछ भी, अगर कुछ भी अपन सीख रहे हैं तो अपन एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, ताकि वो दूसरा भी सीख सके, उसको भी वो नॉलेज मिल सके। सो इट विल बी अ गुड आइडिया, राइट? सो वी कैन लर्न मोर थिंग्स। बेस्ट रूल्स। हमारे जैसे बाकी वुमेन को हमें इंस्पायर करना है। अरे हम उन्हें लाइफ में जीना सिखा सकते हैं, और जैसे उनका अकेलापन और जो डिप्रेशन है उससे हम बाहर निकाल के सिखा दें, उनकी लाइफ में हम रंग भरना सिखा सकते हैं, और अपन कुछ इनोवेटिव करेंगे, कुछ उनके साथ अपन मिलकर करेंगे, ताकि उन लोगों को लाइफ में ना कुछ करने का भी उनको उत्साह लगे, मतलब कुछ उनको भी लगे कि हाँ हम लोग कुछ कर रहे हैं, तो उससे उनकी भी लाइफ मतलब हैपनिंग सी हो जाएगी और उन्हें भी जीने की चाह और बढ़ जाएगी। एवरी मोमेंट हम जिएंगे, और आज के बाद हम भी उन्हें जीना सिखा सकें और हम भी जिएंगे। सुख और दुख अपने हाथ में ही है, तो अपने को सुख में जीना वो अपने हाथ में, दुख में रहना अपने हाथ में, तो अपनी मर्जी पे है ये, अपने को पता है कि हाँ हमें सुख में रहना है कि हमें दुख में रहना है, तो वो तो अपने को ही हैंडल करना पड़ेगा, तो वो हम उन्हें जीना सिखाएंगे। हाँ सोनम, सही कहा तूने, जो चीज़ें पहले हमें मैटर करती थी ना, तो अभी इतना मायने नहीं करती, उसे हम लेट गो कर देते हैं। हाँ, एज वी लर्न टू एक्सेप्ट आवरसेल्फ एज वी आर। हाँ सही कहा तूने, आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। बाय बाय, कल मिलते हैं। कल मिलते हैं। अरे सॉरी, मुझे आने में बहुत देर हो गई, और मैं आई नहीं, और रेवती चली भी गई वहाँ पे। कोई बात नहीं, कल आ जाएगी। सोनम, ये बहुत अच्छा आइडिया है, मैं आज इस ग्रुप का हिस्सा बनके बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। हैट्स ऑफ टू यू, आई एम ग्लैड यू लाइक इट। चलो फिर सबको एक मिनट का टाइम मिलता है हमारे ग्रुप का नाम सोचने के लिए। सब लोग सोच के बताओ कि हमारे ग्रुप का नाम होना क्या चाहिए। सोच लिया तुम लोगों ने? रॉकिंग गर्ल्स साउंड्स वेरी गुड। हाउ अबाउट पावरपफ गर्ल्स? दैट ऑल। क्रेजी गर्ल्स? मैं एक बोलती हूँ, देखती हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा या नहीं। गपशप साउंड्स गुड।
वेल अच्छा है, बट बता कि गपशप ही क्यों? हम लोग सारे मिल के गपशप ही तो करते हैं, इसलिए मुझे गपशप सूझा। हाँ सही कहा तूने, एक्चुअली सच में बहुत सुटेबल नाम है। बट व्हाट अ कोइंसिडेंस, मैंने और सोनम ने भी यही नाम सोच के रखा था। ओ तो गपशप ही ठीक है फिर। चलो तो फिर आज से हमारे ग्रुप का ऑफिशियली नाम गपशप रखते हैं। ओके डन, तो यही नाम रखते हैं। लेट्स बॉन्ड टुगेदर ऑन द नेम ऑफ गपशप। अभी सबको आज के खेल के बारे में बता देती हूँ। दिस गेम इज समथिंग सिमिलर टू पासिंग द पार्सल, बट नॉट एग्जैक्टली पासिंग द पार्सल। मैंने और सोनम ने थोड़ा अपने हिसाब से गेम में चेंजेस किए हैं। हम सब एक सर्कल बना के सर्कल में बैठेंगे और मेरे पास एक बोल है जिसमें हमने कुछ चिप्स डाले हैं। हर एक चिप पे एक टॉपिक का नाम लिखा है। एंड देन वी विल स्टार्ट पासिंग द पिलो और हम म्यूजिक प्ले करेंगे। तो जहाँ पे भी म्यूजिक बंद होगा, जिसके पास भी वो पिलो होगा, उसको बोल में से एक चिप निकालना रहेगा। और चिप में जो भी टॉपिक लिखा है, आपको उसके बारे में अपने एक्सपीरियंसेस, आपको जो भी पता है, वो पूरे ग्रुप के साथ शेयर करना है, ताकि हम सब एक दूसरे को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता सकें क्या चीज़ कैसे होती है। तो सब चिट्स पे जो भी टॉपिक लिखा है, हमें जिसके पास भी जो चिट आएगा उसको अपने एक्सपीरियंस से एक दूसरे से शेयर करना है। अरे वाह बहुत अच्छा, ठीक है ना? अच्छा साउंड्स इंटरेस्टिंग। हाँ सही है बिल्कुल। हाँ बहुत अच्छा आइडिया है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो चलो अच्छे काम में देरी कैसी। लेकिन जाओ पहले गेम शुरू करने से पहले हम लोग कुछ एक्सरसाइज करेंगे, वो अपने हार्ट एंड माइंड के लिए होगा, तो पहले वो करेंगे। अरे वाह सोनम, आज तो आप डॉक्टर बन गए। इट्स कॉल्ड लाफिंग थेरेपी, नुपुरा के साथ रह रह के बनना ही पड़ेगा। चलो अच्छा है, मेरे से कुछ तो अच्छा सीखे तुम लोग। हाँ यार लाफिंग थेरेपी तो हम सबको प्रैक्टिस करना ही चाहिए, पूरा स्ट्रेस और डिप्रेशन ना दूर हो जाता है। हाँ फिर पहले तुम शुरू करो। हाँ हाँ नेहा तुम शुरू करो। अरे क्या यार, हंसने के लिए भी इतना सोच रहे हो, चलो मैं ही हंस देती हूँ। चलो देखो मैं भी हंस रही हूँ। अरे ऐसे नहीं, जोर जोर से हंसो, दिल खोल के हंसो, बेझिझक हंसो और बिंदास हंसो। अरे हंसो हंसो हंसो, खाना नहीं खाया तो आज जोर से हंसो, आज जोर से हंसो और हंसो यार जोर से हंसो। Ha ha ha!
चुपचाप करो। टॉपिक क्या है प्रियंका? रिटर्न पॉलिसी ऑफ क्लोथ। बट एक्चुअली क्या बताना है रिटर्न पॉलिसी ऑफ क्लोथ में?